हाय फ्रेंड्स, आज मैं शेयर करने जा रही हूँ ये मिक्स वेज, बिल्कुल पाव भाजी स्टाइल में। बहुत ही टेस्टी और एकदम लाजवाब रेसिपी है, क्विक बन जाती है। और आप इसे ऑफिस में भी बनाकर, जैसे आपको बहुत जल्दी है और सब्जी बनाने का टाइम है, तो इस तरह से आप बना सकते हैं इसे। और इसे ड्राई बनाकर अपने साथ ऑफिस में भी ले जा सकते हैं, बच्चों को भी टिफिन में दे सकते हैं। और बहुत जिससे कि बच्चों को सब सब्जियों का इसमें पोषण भी मिल जाएगा। तो वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आशा नंदवानी। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। मैंने इस तरह की सब सब्जियां ले ली हैं। देखिए, मैंने आलू, इसे दो बड़े आलू मैंने डाइस कर लिए हैं। और ये मैंने बीन्स ली हैं, गाजर ली है, गाजर एक बड़ी, और शिमला मिर्च आप ले सकते हैं, या फिर आप बीन्स कुछ भी आप फलियां ले सकते हैं जो लेना चाहें। तो मैंने गोभी भी काट ली है, और इसमें आप जो सब्जियां डालना चाहें सब डाल सकते हैं। तो मैंने सब सब्जियों को इसमें कुकर में धो कर के डाल दिया अच्छे से, और अब मैं इसमें पानी डालकर इसे बॉयल होने के लिए रख दूंगी। दो विसल दिलवाऊंगी, बस कितनी क्विक बन जाएगी। इधर से आप बॉयल करने के लिए रखें और इधर आप तड़का लगा लें, तो बहुत जल्दी बन जाएगी। इस तरह से मैंने इसमें डाला है नमक। तो ये ऑफिस जैसे जाना है और सब्जियां बनाने का टाइम है, बहुत जल्दी में बनानी है कोई सब्जी आपको, तो इस तरह से आप पहले कट करके रख सकते हैं रात को ही, और सुबह बस उठकर इस तरह से आप बना सकते हैं, या फिर बच्चों को भी आप टिफिन में दे सकते हैं इस तरह से बनाकर। तो मैंने रख ली है कढ़ाई, और अब कढ़ाई में डाल दिया है मैंने दो बड़े चम्मच ऑयल, रिफाइंड ऑयल। आप जो अपना कुकिंग ऑयल यूज़ करते हैं आप वो यूज़ करें। और इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा बटर, देख सकते हैं मैंने 2 चम्मच बटर डाला है, और इसे हम गर्म होने देंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे जीरा, हो गया है, और इसमें मैं डाल रही हूँ अदरक लहसुन का पेस्ट। आप चाहें तो कट करके भी डाल सकते हैं, क्वांटिटी कम ज़्यादा आप कर सकते हैं अपने हिसाब से। लहसुन का फ्लेवर ज़्यादा पसंद है तो आप लहसुन ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े प्याज स्लाइस किए हुए, और इसे हम रोस्ट कर लेंगे। तो अब इसमें हम डालेंगे नमक ताकि हमारे प्याज थोड़ा और जल्दी रोस्ट हो जाएं। तो देखें अभी इसे 1 से 2 मिनट हो जाए लग जाएंगे इसे रोस्ट होने में। अब हम इसमें डाल रहे हैं धनिया, धनिया पाउडर 1 बड़ा चम्मच, और थोड़ी सी हल्दी अपनी सब्जी के अकॉर्डिंग आप डाल लें, 1/2 चम्मच लगभग हरी मिर्च, लाल मिर्च, और 1/2 चम्मच ही मैंने हल्दी ऐड की है इसमें। तो अब ये हमारे प्याज हो चुके हैं रोस्ट। अब हम इसमें ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच पाव भाजी मसाला, और अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर, 2 बड़े टमाटर। आप चाहे तो ये टमाटर को ग्रेट करके डाल सकते हैं, या मिक्सी में चर्न करके भी डाल सकते हैं। तो इसे अब हम थोड़ा सा सॉफ्ट होने देंगे टमाटरों को। अभी हम इसमें ऐड करेंगे किचन किंग मसाला, 1 चम्मच किचन किंग मसाला, ये ऑप्शनल है, आप ऐड करना चाहे तो करें। तो अब इसे थोड़ा सा हम सॉफ्ट होने देंगे टमाटरों को। बिल्कुल फ्लेम को स्लो कर दें अभी, और अब इसे हम कवर कर देंगे 1 से 1.5 मिनट के लिए, इसे कवर कर देंगे ताकि टमाटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। तो चेक कर लेते हैं अभी, तो ये देखें थोड़ा सा टमाटरों को फिर से मैश कर दें इसे इस तरह से, और फिर थोड़ा सा पानी डाल दें, और फिर इसे कवर कर दें फिर से 1 से 2 मिनट के लिए।
तो अब ये देखें 1 से 2 मिनट बाद ये इस तरह से हो गया मसाला। और इसे हम और अच्छे से थोड़ा सा कुक कर लेते हैं, टमाटर को मिक्स कर लेते हैं। तो अब ये हमारा अच्छे से कुक हो गया है, देख सकते हैं टमाटर इसमें ऑयल छोड़ दिया है इसमें मसाले ने। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे वो सब्जियां जो हमने बॉयल करके रखी थी, उनका हमने पानी अलग कर लिया है और सब्जियों को अलग कर लिया है, एक छन्नी में निकाल लिया है इसे। और इसमें मैं सारी सब्जियां ये ऐड कर रही हूँ अभी। और अब इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं इन सबको। और इस तरह से आप इसी समय इसे अच्छे से मिक्स करके बस आप इसे ड्राई रख कर आप इसे अपने टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। तो देखें कितनी एकदम बहुत डिलीशियस रेसिपी बनी है हमारी बिल्कुल। अब बस इसे मैश कर ले तो आपकी पाव भाजी बन जाएगी। लेकिन हम अगर आप इसे ड्राई बना कर ले जाना चाहते हैं तो इस तरह ऑफिस में आप ले जा सकते हैं, और इसमें आप बच्चों को भी दे सकते हैं टिफ़िन में इसे इस तरह से। तो अच्छे से इसे मिक्स कर लें। और आप इन सब्जियों में मटर भी डाल सकते हैं, मैं थोड़ा इसमें मटर डालना भूल गई, तो आप इसमें मटर भी ऐड कर सकते हैं बॉयल करते समय। तो अब हम इसे एक अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए इसे इस तरह से कुक होने देंगे ताकि इसमें मसाला अच्छे से मिल जाए। और अब हम इसमें ऐड कर रहे हैं गरम मसाला, आधा चम्मच गरम मसाला ऐड किया है मैंने, इसे भी मिक्स कर लेते हैं। और अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी जो हमने निकाल के रखा था सब्जियों का ही। तो ये हमारी बनकर रेडी है मिक्स वेज। अब इसमें थोड़ा सा पानी और ऐड करेंगे अभी, और इसे हम बॉईल होने देंगे 1 से 2 मिनट। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ती, आप चाहें तो इसमें पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं, कट करके छोटे छोटे पीसीस भी ऐड कर सकते हैं और ग्रेट करके भी डाल सकते हैं पनीर को। तो बनकर हमारी ये रेडी है मिक्स वेज पाव भाजी स्टाइल में। तो चलिए इसे हम सर्व कर लेते हैं। आप इसे सर्व कर सकते हैं चावल के साथ, बॉयल्ड राइस के साथ ये बहुत टेस्टी लगती है, पराठा के साथ सर्व कर सकते हैं या पाव के साथ भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो जिस तरह से आप इसे ब्रेड के साथ भी सर्व कर सकते हैं, जिस तरह से आप इसे सर्व करना चाहें करें। और ये बहुत ही डिलीशियस सब्जी लगती है, ये बच्चों को भी इस तरह से पसंद आएगी। आप बनाएं, ट्राई करें और मुझे बताएं आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगर अच्छी लगे तो कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरा चैनल फ्रेंड्स, और थैंक यू फॉर वॉचिंग।